दिन है, वेलकम ही कर दिया मैंने हाँ, तो वेलकम ही कर दिया। और जनवरी से तो भाई हम रेडी होके दोबारा शूट पे जा रहे हैं। मम्मी रेडी होके अपने जा किसी काम से, तो और दूसरे कपड़े भी अपने साथ लेके जा रहे हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं शूट पे। आज शूट का दूसरा दिन है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो सारे कैसे हो? राम राम, सत श्री अकाल, और आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो अभी हम चलते हैं क्योंकि थोड़ा दूर जाना है, जहाँ पे हम पहले गए थे मोहित भाईयर के पास, तो अब वहाँ चलते हैं। तो भी देखो रिव्यू और दरांच कैसे झूलने लग रहे हैं अभी। कैसी आवाज निकाल रहे थे, निकालिए दोबारे। हैं तो देखते दरांच के तो वही मुंह में राल आ गई। It's all about humanity. मोहित भाई के घर आ गए हैं। पहले तो यहाँ पे जो भी है वो डिसाइड करेंगे कहाँ की लोकेशन है, कहाँ पे जाना है, फिर लोकेशन पे चलेंगे। एक बार भाईयर खाना खाने लग रहा है, मैं तो आ गया टाइम से, मतलब थोड़ा सा लेट हूँ बट टाइम से ही हूँ। अब ऊपर ही साइड चलने लग रहे हैं भाईयर के घर में, वहाँ पे भाईयर खाना खाऊंगे और फिर अपने लोकेशन पे चलेंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विशु कटारिया व्लॉग। कैसे हो भाई सारे? भाई मजेदार दिन है, वेलकम ही कर दिया मैंने हाँ, तो वेलकम ही कर दिया। और भाई सेकंड पार्ट है वीडियो का, और सेकंड डे है, सेकंड डे है तो जो हमारा सेकंड डे खराब हो गया था। आज भाई बढ़िया धूप निकल रही है, अपने आज बढ़िया लोकेशन पे चलेंगे अपने। बारिश की वजह से खराब हो गया था, आप सबको पता ही होगा गुड़गांव में तो दो दिन मौसम कैसा खराब। मगर अभी भी कीचड़ वीचड़ खूब है। हाँ, कीचड़ वीचड़ खूब, जो रोड कच्ची है ना, मतलब कच्चे ऐसे ऐसे रोड है उनका पानी भरा हुआ है, मतलब गड्ढे वड्ढे जिसमें जिसमें मिट्टी विट्टी है उस भाई की चढ़ से हो गए हैं। दिन का टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं और अभी स्वामी दी भी आ रही है, जो हमारी वीडियो की मेन लीडर तो मैं हूँ, जो मेन बताकर समझा एक बारी, एक्सप्लेन करो जो भाई क्या नाम है, मेन जो लड़का है ना जो वीडियो का, मतलब जो आशिक है वो ये, और जो एक्ट्रेस है जो मेन वीडियो की फीमेल में, फीमेल वो में वो स्वामी दी है हमारी, मोहित भाई इनकी जो बहन है वो, और ये आशिक के फ्रेंड बने हुए हैं। और अंकल जी अपने बाबू है हमारे, हुक्का भी पी रहे हैं और वीडियो में भी अपना हुक्का ही पी रहे हैं, है ना। सो गाइस बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है ये वाला, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और एक शेयर मेरे लिए प्लीज, जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं अगर वो ये वाला व्लॉग देख रहे हैं तो एक शेयर प्लीज जरूर करना गाइस। भाई के नाते एक शेयर तो मार दो यार, है ना भाई। तो भाई अभी हमने ड्रेस कर लिया चेंज सेकंड डे, क्योंकि अपना शूट है अपने, हम आ गए चाय की ठेली पे, मोहित भाई अपने भाई चाय का। और भाई अपने कैमरामैन आज थोड़े चेंज हुए हैं, बहुत अच्छा कैमरामैन है हमारा ये भाई, मेरे साथ कोहली ने पड़ता है मन, अमनदीप कौर भाई, अमनदीप कौर ना, अमन यादव भाई अपना। तो भाई वो अपने चाय बनवा रखी है, मैं तो पीता नहीं हूँ, कन्फर्म हो गए, खुशी में ली आ गई है चाय, एक। तो भाई अभी हम चाय का मजे उठा लेते हैं, मतलब मैं तो पीता नहीं, इनको देख के उठा लेते हैं भाई, हम भी की भाई हम भी पी रहे हैं। और अभी नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं जो है अपनी, अभी नहीं बताऊंगा मैं, तेज बन रहे हो आप भी हैं, सारी चीज अभी पूछ लोगे ब्लॉग में। तो वीडियो भाई वीडियो देखनी है आपको, जब आपको सारी चीज पता चलेगी, मैं इसमें बस खाली एक आपको हिंट दे रहा हूँ, हल्का हल्का बस, नॉर्मली जो हिंट होता है ना, बस बस। जय श्री राम। जय श्री राम। पूरे पंडित के रोल करवा रखे एक बार। तो भाई हम अपनी दूसरी लोकेशन पे आ चुके हैं जो अपना है पार्क, मोहित भाई अपने बढ़िया सब स्टोरी देख रहे हैं, लास्ट बचा हुआ है, एंड है खाली आज। तो भाई अभी है ना जो सीन हुआ था ना, क्या जबरदस्त सीन हुआ था, मैं मोहित भाई से ना थोड़ी सी वो क्लिप ले लूंगा उस चीज की। है भाई बताना क्या मस्त सीन था, वो था सीन था भाई, आज इसमें रोए भी हैं सारे। हाँ। स्वामी दी भी रोई है, हंसे भी हैं, रोए भी हैं। मैं रोऊंगा थामने पर, थामने रोना नहीं है, थामने हंसना है, लाइक करने हैं, शेयर करने हैं और कमेंट जरूर करने हैं कि किसी वीडियो लग गया और कौन सा पार्ट तुम्हें अच्छा लगा। हाँ, कौन सा पार्ट और किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी। विशाल भाई जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है भाई, आप भी कुछ कम नहीं कर रहे। अरे भाई मैं तो कुछ भी ना कर रहा, मैं तो 20 बार पढ़ूं एक स्क्रिप्ट सारे जल्दी याद हो जाए। तो भाई अपने कैमरामैन आने लग रहे हैं, स्वामी दी अपने वहां बैठी है, पंडित हमारा का पार्ट ले जाइए चलो। तो भाई अभी हम एक चीज सोच रहे हैं, बताओ अगर वो करनी है तो
करनी है या नहीं करनी, करते ले फिर वो जुगाड़ मिल जाएगा बांधने का, सब मिल जाएगा। फिर यूँ है यार, जुगर मार इसके मार ली गाड़ी के, जुगर ये पर जे टूटेंगे समझो आओगा कौन है, इंश्योरेंस हो जाओगा है? अरे ना कुछ ना फटे, उसमें भी लोहे में लगेगा, इसके भी लोहे में भी लगेगा। वही आज का शूट थोड़ा हमने जल्दी कंप्लीट कर दिया है मोहित भाई के साथ, में ही कंप्लीट हो गया। आज तेरी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव दिखा भाई। हाँ तो लो भाई एक बार हम अपनी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव दिखाते हैं भाई को, इस साइड बैठ जाता हूँ मैं, दो बार खोलना पड़ेगा। तो भाई अभी मोहित भाई ने गाड़ी के लिए टेस्ट ड्राइव, भाई मजेदार गाड़ी चल रहा है इसकी भाई की, क्योंकि आज कई साल से पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं और आज चलाई गाड़ी डीजल, तो मजेदार फील आई, एक नंबर। मतलब भाई बता भी ना रहा, मतलब बता भी नहीं पा रहा कैसे क्या एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग। मतलब भाई डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी में थोड़ा बहुत फर्क होता है। और भाई अगली गेट लोग रहोगा तेरा, टोचन करेंगे गाड़ी। हाँ भाई टोचन करेंगे, सलेरियो और ब्रेजा का। हाँ देखते हैं भाई कौन सी जीतती है। ब्रेजा जीतेगी यार, पर फिर भी मैंने आप पेट्रोल में जिसमें अपनी गाड़ी ना भाई जान, तो मारुति गाड़ी है भाई, दोनों एक दोनों ही मारुति की। हाँ अब देखते हैं कौन सी में कैसे कितनी जान है, कितनी ताकत है। तो गाइज प्लीज फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस ब्लॉग को लाइक शेयर जरूर करना, एक शेयर प्लीज मेरे नाम से करना, अपने स्टेटस पर जरूर डालना जो भी इस वीडियो को कर रहा है, एक कमेंट जो भी मेरा फैन जा रहा है इस ब्लॉग पे, एक बार मोहित लिख के जरूर कमेंट में डालना कि मोहित 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 दिस साइड, मोहित दिस साइड, मोहित दिस साइड। भाई याद रखना डालना है। ओके भाई बाय बाय। ओके भाई चलो ठीक है, जल्दी मिलते हैं। बिल्कुल भाई बाय बाय गाइज। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने घर पे और मम्मी बना रही है अभी पोहा। आज का बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा, मैंने आपको दिखाया अभी जैसे, और अभी भाई अपने साइड में बैठी है अपनी बहन, जो अभी कह रही है कि भाई मेरे को व्लॉग में मत लियो, मैं भी अच्छी नहीं लग रही। ऐसे ही कह रही है भाई बिल्कुल, जबकि मैं इसको व्लॉग में नहीं लग रहा, मगर मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई हल्की सी झलक इसकी कि भाई ये मैगी खा रही है इस टाइम, मम्मी पोहा बना तो रही है, मैगी खाने का मन कर रहा है क्या तेरा है? तो भाई मैगी कहाँ पे खा के आएगी? तो सेक्टर 29 जाएगी है मैगी खाने। उसकी कल खाई थी। हाँ उसकी टेस्टी थी वैसे ना। तो भाई अभी हमारा मैगी खाने का प्रोग्राम सा बनाया, देखो वो सक्सेसफुल होता है नहीं होता। और जैसे ये कह रही है कि भाई मैगी जहाँ कल खाई थी इसको बड़ी अच्छी लगी, भाई मुझे भी अच्छी लगी भाई वहाँ की मैगी, मैं कभी अच्छी नहीं लगती थी मैगी, बट मैं कॉलेज में गई तो तब से खाने लग गई। हाँ तो भाई अपने ना हम भी, बट मैंने भी बस घर पे घर की मैगी खाता हूँ मैं, मतलब बाहर की तो मैंने अभी तक ऐसे कुछ खाई नहीं है, बट इसके साथ ही खाई जैसे 2-4 बार, तो भाई मेरे को भी जैसे अच्छी लगने लगी बाहर की मैगी सेक्टर 29 की। मगर वहाँ के ना मोमोज ज़्यादा अच्छे हैं, जो तंदूरी मोमोज भाई अगर किसी ने खाए हो तो बताना जरूर भाई, मेरे को तो बड़ी टेस्टी लगते हैं जो मार्केट के वहाँ लगते हैं ना, मैंने तो एक बार खिलाए भी थे याद होता है ना। तो अभी पहले कुरकुरे मोमोज भी अच्छे हैं, कुरकुरे मोमोज नहीं उसके ज़्यादा तंदूरी मोमोज अच्छे हैं। हाँ जब वो प्याज व्याज डाल के जाता है ना भाई, बढ़िया मस्त एक नंबर स्वाद आ जाता है, मेरे भी मुंह पानी आ गया बिल्कुल है। हाँ मोमोज में साइड में प्याज रख के देता है वो बढ़िया अच्छे से। तो भाई अभी मम्मी अपने बना रही है पोहा, मम्मी अभी स्टार्टिंग कर रही है अपने किचन में, हेलो कर दो मम्मी। हेलो राम राम जी। तो भाई मम्मी को राम राम जरूर कर देना। अभी भाई मैं ना आपस में बात चल रही थी कौन पोहा बनाएगा, मम्मी कह रही तू अच्छा बनाती है, ये कह रही मम्मी आप अच्छा बनाते हो, तो मम्मी ही बनाने लग गई, मैंने भी कहा मम्मी आप ही अच्छा बनाते हो पोहा, तो मुझे तो बनाना ही पड़ेगा भाई है ना। तो अरे आप ही अच्छा बनाते हो ना, वैसे अच्छा तो मम्मी ही बनाती है। सही बात है, थोड़ा बहुत सही सही सा काम चलाओ बना देती है। हेलो मम्मी वैसे सही बताऊँ ना, आपका हाथ में ना जादू है वैसे। ना सही में आपके हाथ में जादू है गाइस। वैसे एक बात बताना, सबकी मम्मी के हाथ का में जादू होता है, हमारी मम्मी के हाथ में भी जादू है ना, सही जादू है
हमारे हाथों में ये होता है भाई जादू। अच्छा, आगे से बुलाइए तो। फिर हमारी जेब में जादू हो जाता है गाइस। जीब में भी हो जाता है। जीब में, जेब में, सब में जादू हो जाता है हमारे ना। हम जादूगर बन जाते हैं, सबकी जेबें ढीले हो जाती है। फिर मम्मी आती है तो फिर मम्मी के हाथ का खाना हमें पसंद आता है। सही तो कह रहा हूँ बिल्कुल। अब ये आप नहीं थे ना, इसने मेरे को क्या खिलाया पूछना, क्या बना खिलाया, क्या बनाया बता। एक दिन गोभी के पराठे बनाए थे। गोभी के पराठे सुन लो भाई, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों, कितने टेस्टी बने थे सच बताइयो। भाई भूख लग रही थी तो जी मार के दो खा लिए थे, भूख लग रही थी, पेट भरना था। वैसे भी तू दो ही खाता है विशु। अच्छा, सारी ना बताए करें। और उस दिन लच्छे पराठे बनाए थे। लच्छे पराठे तो देखो मेरे को पसंद ही हैं। लच्छे पराठे भाई किए था, तूने दो ही खाए। चार। अच्छा, चार। पांच। पांच। पांच खाए थे, पांच खाए थे। प्लेन थे, प्लेन लच्छा पराठा था। अच्छा, तो भाई वो पांच खा लिए थे अपने, उसके साथ टेस्ट टेस्ट में खा लिए चिली सॉस के साथ। हां, उसके साथ भाई अपने पांच खा गया था। कभी कभार बना दे भाई, एक भाई एक है ना, एक पराठे इसने पता कैसा बनाया, बीच में नमक मिर्च डाल के। ओ हो, इतना गंदा भाई, के बताओ इतना गंदा। तेरे एक्सप्रेशन तो अच्छे वाले थे ना भाई, मगर गंदा था। एक्सप्रेशन इसने अच्छे वाले दिए, मगर गंदा था, सही सही में गंदा था भाई। मेरे को तो अच्छा लगता है, पता ना भाई कैसे मिर्च मिर्च वाले खा ले। और एक मेरा ना चीनी वाले पराठे कति पसंद ना है, मेरी क्लास में भाई बच्चे लेके आए करते। हाँ, मतलब भाई मेरे को पसंद ही नहीं था तो मैं खाता ही नहीं था उनको, मैंने खाया भी नहीं है। मम्मी है ना, हाँ भाई मेरी क्लास में था, मेरे को याद है, मैं 8th क्लास में था। मुझे तो पता ही है, यहाँ के चला था कि चिन्नी के भी पराठे होते मुझे। हम मैगी खा लेके जा रहे थे, बहुत से बच्चे लंच बॉक्स। हाँ भाई, मैगी बिल्कुल टाइट सी हो जाती थी ना, कभी नहीं लेते। हाँ, और भाई मैं बता रहा हूँ ना कि भाई मेरे को याद है, मैं 8th क्लास में था भाई, एक मेरा दोस्त था तो वो है ना चिन्नी के पराठे लेके आता था। जैसे वो भाई टिफिन खोलता था ना, पूरे उसमें वैसे फैल जाती थी, वो बड़ा अजीब सा लेके आया। और उसके ऊपर क्या जाती थी, स्मेल है। और क्या नाम है उसके ऊपर है ना भाई, वो नींबू का अचार ना, उसका नींबू वगैरह, आम का अचार। बता भाई, चिन्नी के पराठे और आम का अचार। अरे बहुत से खाते हैं, बहुत से चावलों के साथ आम का अचार खाते हैं भाई। देखो सबकी अपनी इसका स्वाद है जीभ का, तो उनको कुछ नहीं कह सकते भाई, सबका अलग अलग टेस्ट है। हमारा कैसा टेस्ट है, जिसकी चटोरी देवी जैसा चाहे वैसा खा सकती है। चटोरी देवी बस में नहीं आती। हाँ, तो भाई जैसे अभी मेरी बहन की चटोरी देवी जीभ भाई बस में नहीं आ रही, कह रही है भाई मैं तो खाऊंगी मैगी जो अपनी है सेक्टर 29 की। तो हम चलते हैं वहां पे सेक्टर 29 के। मम्मी आपका कितना टाइम लग जाएगा इसमें, इतना मोया इतना हो जाएगा ना है। तो अभी वहां से आते वक्त हम मैगी भी खा लेंगे। तो भाई हमने अपना वादा करा पूरा, अपनी बहन को खिला दिया और क्या ना आइसक्रीम कह रहा हूँ, ये मैगी, और भाई अपनी भी यहाँ करवा ली। और भाई देख रहे हो, तुम्हारे लिए मैं अपनी क्लास भी ले रहा हूँ भाई, इस टाइम अपनी क्लास, मेरी क्लास चल रही है। और अभी अरे पढ़ना वढ़ना तो यार होता है, मगर लेकिन मैंने आपको वादा करा था कि मैगी खिला के लाऊंगा अपनी बहन को, और भाई इसको भी करा था, तो हम इसको भी खिला रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं और साथ में पढ़ भी रहे हैं। खाते वक्त पढ़ाई अच्छी होती है ना। तो अब थोड़ी सी भाई फॉग हो गई है, यहाँ से थोड़ी आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे कुछ पसंद आएगा क्या तुझे और अपने भाई। यहाँ पे 29 मोमोज, चलो भाई इसको मोमोज भी खिलाते हैं आज, चीट डे बनाते हैं आज।